नमस्कार, आप ही समाचार देख रहे हैं। मैं हूँ एलडी स्वामी। आज हम एलामाद के गांव मिठी सुरेरा में हैं और हमारे साथ मिठी सुरेरा से सरपंच प्रत्याशी सत्यनारायण बशीर है। बातचीत करेंगे किस तरह का समर्थन गांव से मिल रहा है और उनके पास गांव के विकास का क्या विजन है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और विकास को लेकर उनके पास क्या रोड मैप है गाँव के विकास को लेकर, इसको लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे। और आज के समय में अपना चुनाव जो है वो कहाँ खड़ा देख रहे हैं, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका ई समाचार पर। नमस्कार जी, आप मेरे गांव में आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर समर्थन की बात करें तो गांव में कितनों का समर्थन थाने मिलने लग रहा है? गांव से मेरे को पूरा गांव का समर्थन मिल रहा है जी। 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है मेरे को, गांव के यूथ का, भाई बहनों का, सबका सहयोग मिल रहा है जी मेरे को। अगर विकास की बात करें तो थारे कने के रोड मैप है, के विजन है गांव को विकास को लेकर? गांव के विकास, एक तो एजुकेशन के बारे में मेरा ये सोचने का है कि जो 8th और 10th और 12th की जो क्लासें हैं, गांव की जो बच्चियां बाहर स्कूल पेपर देने जाती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरा ये है कि बोर्ड की परीक्षा यहीं हो और बोर्ड यहीं लेके आऊँ गांव के स्कूल के अंदर। और शिक्षा के लिए कुछ मतलब गांव में लाइब्रेरी की यहाँ व्यवस्था नहीं है और सेंटर वगैरह है, कोचिंग सेंटर की अगर बात करें तो वो भी गांव में नहीं है। मेरा मानना है और गांव का मेरा को पूरा समर्थन मिल रहा है, गांव की बच्चियां जिस तरह इलाहाबाद सिरसा स्कूलों लाइब्रेरी के लिए जाती है, मेरा पहला काम यही रहेगा कि गांव में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग लाइब्रेरी बने स्कूल के अंदर, और उनको पढ़ाई के लिए कोचिंग की अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोचिंग भी करवाऊँगा। अगर किसी भी गांव में जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ अगर विकास कार्य अगर देखने हो तो साफ़ सफाई सबसे पहले देखी जाती है। तो चाहे नालियों की साफ़ सफाई हो समय पर, क्योंकि पंचायती राज का जो पैसा है उसमें गलियां और नालियां तो बनी जाती है चाहे कोई भी सरपंच बने। आपके पास हटके क्या विजन है उसके लिए? मेरा सपना है भी गांव की सफाई के बारे में भी, लोग मेरे गांव को देखने आए, इतना मेरा है भी गांव के साफ सुथरा हो, गांव में हरियाली हो, गांव की जो साइड की सड़कम जिस तरह कूड़ा करकट है वो बिल्कुल साफ हो, और वहाँ जिस तरह पार्क वगैरह लगे, फूलों का जिस तरह लगे, इस तरह का मेरा सपना है जी। गांव के जो इस साइड में जो 7 सेक्टर है उस साइड की सड़कों में कीचड़ वगैरह है, रामदेव जी मंदिर के आगे कीचड़ वगैरह है, वो साफ हो, उनकी नालियों की सफाई हो। एक गांव में जो सफाई व्यवस्था है हमारे कुछ ही जगह में होती है, लेकिन मेरा ये सपना रहेगा कि गांव के हर जो 13 हमारे सेक्टर बने हुए हैं गांव के, उसमें डेली सफाई हो। उसके लिए चाहे मैं सफाई कर्मचारी ज़्यादा रखना पड़े तो मैं रखूँगा जी। क्या अपील करना चाहोगे ग्राम के लिए? मैं ग्रामवासियों से यही अपील करूँगा कि मेरे को गांव के 36 बिरादरी का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, यूथ का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं ग्रामवासियों से यही अपील करूँगा, अभी मेरे को एक एक वोट दे के जिताएं, और आने वाली 12 तारीख को साइकिल के निशान के सामने का बटन दबा के मुझे विजयी बनाए। मैं आपके एक एक वोट के का ऋण चुकाऊँगा, और घर घर जाके गांव के जिस तरह कोई पीले कार्ड हैं, गुलाबी कार्ड हैं, गांव की बुढ़ापा पेंशन है, या कोई बच्चों का कोई किसी तरह का कोई कागज है, या जिनके का आईडी में कुछ नाम है, बैंक की कॉपी में कुछ नाम है, वोटर लिस्ट में कोई कोई नाम है, उन नामों को ठीक कराना, वार्ड वाइज मेरे को कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, ये मेरा सपना है जी गांव में। और गांव के ग्रामवासियों का, भाई बहनों का जो मेरे को सहयोग मिलेगा और मेरे को विजयी मनाएंगे, तो मैं एक एक वोट के ऋण का उनका हिसाब चुकाऊंगा जी। ये हमारे साथ सत्यनारायण बशीर से जो मिठी सुरेरा से सरपंच प्रत्याशी हैं, और उन्होंने गांव के लिए बहुत बड़ी बात कही है कि जो मेरे को गांव के लोग जो वोट देंगे उनका एक एक वोट का जो कीमत है, ऋण है, वो जो मेरे को कर्जा देंगे वोट के वोट रूपी, उसका मैं एक एक वोट की कीमत चुकाने की चुकाऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर जब भी हम गांव में एंट्री करते हैं तो उसके विकास कार्य जो है साफ़ सफाई को लेकर नापे जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे, पंचायती तौर पे जितने होंगे उसके अलग, अगर व्यक्ति तौर पे कुछ मुझे करना पड़ा तो गांव की सफाई के लिए, और हमारा जो सपना है वो गांव का साफ सफाई इतनी हो कि आसपास के लोग, दूरदराज के लोग जो है गांव को देखने आए कि मिठी सुरेरा में किस तरह की सफाई व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ चाहे लाइब्रेरी की स्थापना करनी हो, चाहे गाँव की जो बच्चियाँ हैं अब वो अपनी आगे की पढ़ाई हो, चाहे कोचिंग
कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चियां हों, लड़के लड़कियां हों, उनके लिए लाइब्रेरी की यहाँ स्थापना होगी ताकि उनको शहर में दूर दराज ना जाना पड़े, क्योंकि लड़कियों के लिए जो दूर दराज आते हैं अभिभावक भी है वो कम भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन गाँव में अगर शिक्षा का सत्र अच्छा हो तो वो जो नौजवान हैं लड़के लड़कियाँ हैं वो अपने आगे बढ़ सकते हैं एजुकेशन के दम पर। इसको अलावा जो है अगर हम बात करें गांव में जो छोटे मोटे घरों के काम होते हैं, राशन कार्ड है, फैमिली आईडी है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से जानकर जो है वो काम करवाए जाएंगे। ये हमारे साथ सत्यनारायण बशीर थे, इनको आप सुन रहे थे। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे हैं। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।